तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। और अगर आप मोबाइल से एंड स्क्रीन लगाना चाह रहे हैं तो मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग में जाएंगे, डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद ब्राउज़र में आपको youtube.com लिख के सर्च करना है और जो पहला वाला आएगा उस पर क्लिक करके आपको चैनल लॉगिन कर लेना है। तो गाइस देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में कॉर्नर पे जो सबसे ऊपर आपका लोगो बना हुआ है चैनल का, उस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको आना है यूट्यूब स्टूडियो पे। इसके बाद देखिए, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड में जो कंटेंट लिखा हुआ है डैशबोर्ड के नीचे, ठीक इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने अपने चैनल में कितने वीडियोस डाल रखे हैं वो सारे लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसमें से किसी वीडियो पर लगाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो वीडियो आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो क्रिएट लिखा है इस पर प्लस का आइकन बना है, इस पर क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड होने के बाद जब प्रोसेसिंग हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपका एंड स्क्रीन इस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए एंड स्क्रीन लगाते कैसे वो देखिए। अब देखिए गाइस, आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है, जो भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना है। अब जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हमने लैपटॉप पे ओपन किया है तो लैपटॉप और पीसी पे तो सेम तरीके से खुलता है। और अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे डेस्कटॉप मोड में तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, उसमें आपके पास यहाँ पे एंड स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए एंड स्क्रीन लिखा हुआ है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये वीडियो अपना अपलोड किया था तो देखिए वीडियो के एंड में आपको हम दिखा देते हैं, मैंने एक टेम्पलेट यहाँ पे बनाकर ऐड कर रखा है, ठीक है। ये मैंने काइन मास्टर से बनाया था। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि काइन मास्टर से अच्छी टेम्पलेट कैसे बनाए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर देखिएगा, वहाँ पर आपको काइन मास्टर का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, ठीक है। वो हम यहाँ पे अभी आपको एंड स्क्रीन में भी प्लेलिस्ट का ऐड कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके जाएंगे, काइन मास्टर ट्यूटोरियल से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर आप सीख सकते हैं कि आप कैसे टेम्पलेट बना सकते हैं फ्री में फुल HD, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर हमने जो टेम्पलेट ऐड कर रखा है, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था खुद से, तो यहाँ पर एक बॉक्स है वीडियो के लिए। हम यहाँ पे चाहे तो एक वीडियो लगा सकते हैं, कोई भी वीडियो जो हमें पसंद आए, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो है यहाँ पे, उसकी बात आपको बताएंगे, पहले चलिए हम यहाँ पे वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेम्पलेट लिया है, ठीक है, तो इसमें एक ही वीडियो यहाँ पे डलेगा या एक ही प्लेलिस्ट डलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसमें एक वीडियो एक सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने टेम्पलेट जो है इसका, अगर इसमें हमने क्रिएट नहीं किया होता, ठीक है, तो YouTube वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे YouTube जो हमें खुद से टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट है एंड स्क्रीन का, तो पहला वाला जो प्रोवाइड कर रहा है इसमें आप दो वीडियो लगा सकते हैं एक साथ, ठीक है। लास्ट में आप अपनी पसंद का और एक चैनल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, खुद का चैनल या किसी का चैनल प्रमोट भी कर सकते हैं, या मान लीजिए आपका खुद का दूसरा चैनल है तो आप वहाँ भी उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं और उस चैनल पे आप यहाँ से सब्सक्राइबर्स ले सकते हैं। अब दूसरा एलिमेंट जो है, इसमें एक वीडियो और एक सब्सक्राइबर्स आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब सब्सक्राइबर्स वाला यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक वीडियो। तीसरा वाला जो है, इसमें आपको क्या है कि एक सब्सक्राइबर वाला बटन है, एक प्लेलिस्ट का बटन है। चौथा वाला जो एलिमेंट है, इसमें आपको दो वीडियो का एलिमेंट है, ठीक है। पांचवा वाला जो है, इसमें एक वीडियो एक प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। और छठा वाला जो है, एक वीडियो एक प्लेलिस्ट और एक सब्सक्राइबर का बटन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पर हमारा जो एलिमेंट है, हमने काइन मास्टर से बनाया था एक वीडियो के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो नहीं लेकर एक प्लेलिस्ट लेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करके हम प्लेलिस्ट ले लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि हम यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड करना है। आप देखिए यहाँ पे काइनमास्टर ट्यूटोरियल, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि काइनमास्टर ट्यूटोरियल यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि अगर आप भी ये बनाना चाह रहे हैं इसका टेम्पलेट, ठीक है, एंड स्क्रीन का, तो आप यहाँ से देख कर सीख लेंगे और बना सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अब इसको आपको माउस से क्या करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में आप अपने हाथों से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, एकदम आराम से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एडजस्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे सब्सक्राइब हियर जो है, यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट पे फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही ये यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे में यहाँ पे जो ऑप्शन है शो ओवर, ठीक है, ओवर कार्ड आउटलाइन, इसको हम अनटिक कर देते हैं, क्योंकि टिक करने के बाद देखिए ये कैसा दिखता है, यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसको अनटिक रखेंगे। इसको भी आपको क्या करना है, इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट कर देना है, ताकि देखने में ये अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें एक कम और बच गया है, ये जो एंड स्क्रीन टेम्पलेट है, ठीक है, तो एंड स्क्रीन जो है 5 सेकंड से 20 सेकंड तक वर्क करता है। तो हम इसको 5 सेकंड तक लिमिट कर देंगे, ताकि जो हमारे व्यूवर्स वीडियो देखेंगे उनको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, दो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का जो है, ठीक है, इस पे आप पे देखिए साइड से यहाँ से ऐसे करेंगे, और इसको आप देखिए इस तरह से इसको आप साइड के, ठीक है, साइड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम साइड हो चुका है, इससे ज़्यादा ये नहीं होगा। तो ये 5 सेकंड का हो चुका है लिमिट, ठीक है। ये 20 सेकंड का यहाँ पर सिलेक्ट होता है ऑटोमेटिक, इसको आप 5 सेकंड पर कर सकते हैं। सेकंड नीचे जो ब्लैक कलर दिख रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे, ये भी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम 5 सेकंड तक ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वीडियो है, लास्ट का जब 5 सेकंड बाकी रहेगा वीडियो, उस टाइम पर ये दोनों चीज़ शो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब सेव कर दिया है हमने, अब ये जो है हमारा एंड स्क्रीन यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी वीडियो में एंड स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये एंड स्क्रीन तो हमारा लग चुका है, ठीक है। अब बैक आएंगे और वीडियो को जो है एंड स्क्रीन लग चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके हमें सपोर्ट करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।